देख रहे हैं कि रूस ने रोमानिया के जहाज पर हमला कर दिया, कल रूस कई और देशों पर भी हमला कर सकता है क्या? देखिए कल का मतलब आने वाले समय में जी इस इमोशनल डिसीजन में अपने उस पावर को उन क्षेत्रों को अपने पास जरूर उनको मिलाना चाहेगा, जिसके कारण यह रूस के लिए खराब समय शुरू होता है 25 जनवरी 2023 के बाद में, जब वहां पर उसके वर्ल्ड के काफी वर्ल्ड के सारे देशों से उसको सेंक्शन वगैरह झेलने पड़ेंगे। अभी भी सेंक्शन उसके ऊपर लगे हैं, लेकिन इस समय रूस को कोई खतरा नहीं है ज्यादा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि 11 फरवरी 2024 के बाद विश्व की महाशक्ति के रूप में रूस अपने द्वारा खड़ा होने वाला है, जब उसके 16 वर्ष की बृहस्पति की दशा शुरू होगी, जो कि उसके दशम भाव में रूस की कुंडली द्वारा लगवाएं, दर्शक अच्छे आराम से समझ सकते हैं। इस बात को फिर से दोहराया जाए आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी कि रूस महाशक्ति के रूप में किस तारीख के बाद फिर से खड़ा होने वाला है? तो ये आप अपने रशिया के हॉरोस्कोप के सामने पड़ पाए देखेंगे, मैं उसमें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बृहस्पति उनके दसवें घर में बैठा है, रशिया के हॉरोस्कोप लगाइए तो उसमें देखिए रशिया का मैप जो है सामने लाया जाए। तो चलिए आप बोलना जारी रखिए, अरुण जी लाएंगे। शुरू हो रही है और रूस उनके दसम भाव में बैठा है, वहां से रूस जो है आर्थिक रूप से और अपनी बाकी सैन्य ताकत के रूप से एक मजबूत देश के रूप में विश्व में निकलेगा। और वो जो है पहले जैसा रूस जो सोवियत यूएसएसआर होता था उस तरह से है, तो रूस अपने अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि अपने एक्सपेंशन के लिए काम कर रहा है। इसलिए जो कुंडली आप देख रहे हैं कि क्योंकि छठवां भाव हमारा एक्सपेंशन का हाउस होता है, एक्सपेंशन के हाउस हमारे ज्योतिष में माने गए 3, 6, 10, 11। तो ये चूंकि रूस की दशा जो है एक्सपेंशन का हाउस इंडिकेट कर रही है, तो इसलिए रूस यह सिर्फ एक्सपेंशन कर रहा है, दूसरी अपने फियर को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। तीसरा उसका डिसीजन इमोशनल भी है, क्योंकि जो उससे जुड़े हुए लोग थे जो आज पश्चिमी देशों ने साजिश करके उससे अलग किए थे, वो उनको फिर वापस मिलाने की कवायद जरूर करेगा। लेकिन विश्व युद्ध होगा इसके इसकी संभावना नहीं है। हाँ ये जरूर है कि वॉर इस तरह का रहेगा कि आप रूस जो है अपनी सेना वहां रखेगा और इस वॉर को कंटिन्यू करेगा, बाकी अमेरिका वेस्टर्न कंट्री जो है, क्योंकि अमेरिका की हॉरोस्कोप भी भाव एक्टिवेटेड है। यूएसए की हॉरोस्कोप लगवाइए, मैंने भेजी थी आप लोगों को जी। तो यूएसए की हॉरोस्कोप में देखें यूएसए की दशा जो है लाहू में जुपिटर की दशा चल रही है। मैं एक थोड़ा सा आपको रोकते हुए एक्सप्लेन करता हूँ इस सिचुएशन को कि ये जो सिचुएशन है कि अब भी वर्ल्ड वार के लिए कारण बना हुआ है, लेकिन वर्ल्ड वार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया बहुत स्ट्रांग कंट्री है, नाटो में डिफरेंसेस भी है, अमेरिका की अभी आप व्याख्या करेंगे कि अमेरिका की कुंडली कैसी है, लेकिन अमेरिका जो है अब उतना मजबूत देश नहीं रह गया है, तालिबान तक ने मनमानी कर ली। तो ऐसा लग रहा है आचार्य जी आपकी बातों से आपकी गणना से कि रूस जो है लगातार मनमानी करता रहेगा, वो एक देश के बाद दूसरा देश भी जीत सकता है, अपना अखंड रूस का सपना वो साकार कर सकता है और दुनिया आंख मूंद कर चुपचाप देखती रहेगी, यूएन चुपचाप देखता रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए रूस ने अनजस्टिफाइड लड़ाई नहीं है। अगर रूस का जब कुंडली में भाव देखता हूँ ज्योतिष में जो कुंडली में त्रिकोण टाइन हाउस हो सकते हैं, पांचवा और नौवा वो जस्टिफिकेशन के हाउस होते हैं, तो उसकी ये जो वार है वो लेजिटिमेट है, ये वार जो है अनजस्टिफाइड नहीं है उसकी वार। तो इसलिए हम ये कहें रूस जो है अगर एक्सपेंशन भी कर रहा है तो वो अपने उन्हीं एरिया में कर रहा है, ना कि अमेरिका की तरह से वो पूरे वर्ल्ड में दखलंदाजी नहीं करेगा, वो अपने आप के अपने एरिया को सेफ जरूर करेगा रूस। अब इसके अलावा एक और घटना आपको बता देता हूँ कि जब आपने देखा कि अगले एक महीने के बाद अप्रैल से फिर नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो नए वर्ष में अगर वर्ल्ड हॉरोस्कोप अगर लगाइए 2023 की जो अभी पहले लगा रहे थे आप 2023 वर्ल्ड का मैप जो है वो आप 2023 अरुण जी जी तो 2023 वाले हॉरोस्कोप देखिए उसमें टॉरस लगन निकल के आया है। ये तो संबंध सबकी कुंडली है, वर्ल्ड हॉरोस्कोप है जो 14 अप्रैल 2022 को बनेगा और उसका समय होगा 8:39 में। ये 8:39 में जो वर्ष आया
ये इंडिकेशन दे रहा हूँ प्रेम जी आपको अगले वर्ष की कहानी। तो इस ये हॉरोस्कोप बड़ी मजबूत है, पिछले वर्ष के तुलना में ये हॉरोस्कोप बहुत मजबूत है, जिसका संकेत ये मिला ज्योतिष के अनुसार कि विश्व में बर्ड वार जैसी कोई बहुत बड़ा भयानक घटना नहीं घटने वाली है। मतलब ये सब कुछ इसको जो है इस सारे इस माइल्ड शॉक को पूरा विश्व एब्जॉर्व कर लेगा और फिर आगे अपने प्रगति के मार्ग पे चल पड़ेगा, क्योंकि ये हॉरोस्कोप बहुत मजबूत आई है। इसमें शुक्र जो है लगन का स्वामी होकर दसवें भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अपने लोग अपनी इकोनॉमी पर, अपनी जनता की प्रॉस्पेरिटी पर और अपने जो गवर्नेंस पर लोग फोकस करेंगे, जितनी भी वर्ल्ड की सरकारें हैं, और इस चीज को एक नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ये जैसे आपने देखा अफगानिस्तान की लड़ाई कितने वर्षों तक चली, तो वो सब बाकी दुनिया सारी सामान्य रही, तो दुनिया सारी सामान्य रहेगी, रूस अपना इंटरफेरेंस अपने पड़ोस में जारी रखेगा, सारे देश पश्चिमी देश उसको, क्योंकि दशा उसकी बहुत कमजोर है अमेरिका की, तो अमेरिका जो है वार मॉन्गरिंग का काम जरूर करता रहेगा, उकसाने का काम जरूर करता रहेगा, अपने हथियारों को बेचने का काम जरूर करता रहेगा, क्योंकि उसकी दशा जो है बारहवें और छठवें घर की एक्सिस जारी हो रही है। तो ये जो है केवल और केवल वेस्टर्न जो इकोनॉमी है, जो आप जानते हैं वेस्टर्न इकोनॉमी केवल दो चीजों से चलती है, फियर के कारण। आप चाहे वो बीमारी का फियर बेचिए या लड़ाई का फियर बेचिए और हथियार बेचिए, तो वो अमेरिका और उनके पिछलघु देशों का वो कार्यक्रम तो चलता रहेगा, लेकिन संसार को कोई बहुत बड़ी अब दुर्घटना नहीं ऐसी देखने जा रही है। हम आपकी बात को उन दर्शकों के लिए समराइज करते हैं जो देर से जुड़े हैं। आप गणना करके पूरी तरह से विश्व युद्ध के खतरे को खारिज कर रहे हैं कि ज्योतिषीय गणना यह नहीं कह रही है कि कोई विश्व युद्ध होने जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि रूस जो है अपनी पुरानी शक्ति को फिर से हासिल करेगा और ज्योतिषीय गणना के अनुसार वो धर्म सम्मत यानी विधान सम्मत होगा, उसको अनैतिक नहीं कहा जाएगा। ये ज्योतिषीय हिसाब से आप बता रहे हैं, यानी रूस अगर अपना एक्सपेंशन भी करता है तो अपने पुराने स्वरूप को हासिल करने के लिए अपने से विखंडित हुए देशों को साथ जोड़ सकता है, लेकिन वो किसी नए संप्रभु देश पर को अपने से जोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। ये आपके बोलने से पूरा मतलब जा रहा है।